हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज़ फ्रॉम इन एन किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं करौंदे का जैम। ये देखिए, इस तरीके का करौंदा इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है। इस करौंदे को मैंने बीच में से आधा आधा करके इसमें से बीज निकाल लिए हैं। सारे में से मैंने यही किया है, बीज निकाल करके हाफ हाफ स्लाइस में इसे कट कर लिया। और अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। उसके लिए करौंदे को सबसे पहले धो करके हम अच्छे से सुखा लेंगे पंखे के नीचे ही। उसके बाद बीच में से कट करके दोनों साइड्स में से बीज निकाल लेंगे। और अब ये बीज निकले हुए करौंदे मेरे पास हैं। इसमें हम नमक ऐड करेंगे। मैंने 1/4 टेबलस्पून नमक का यूज़ किया है। अब अच्छे से इसे हम लोग नमक से कोट करके यूं ही रख देंगे। हम लोग इस पे नमक डाल करके इसे ढक करके यूं ही रख देंगे। आधे घंटे के लिए हम इसे यूं ही रहने देंगे। उसके बाद हम इसे प्रेशर कुक करेंगे बिना पानी डाले। चूंकि नमक है, हीट पाते ही तुरंत ये पानी छोड़ देगा खुद का। चूंकि जैम बना रहे हैं जो कि 6 महीने तक चलेगा, इसीलिए हमें इसमें किसी भी स्टेप में पानी नहीं ऐड करना है। तो अब हम इसे ढक कर आधे घंटे के लिए यूं ही रख देंगे। नमक डालने के बाद आधे घंटे बाद मैंने इसे एक गरम प्रेशर कुकर में डाल करके ढक्कन लगा के सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया था। 5 मिनट के अंदर ये खुद के पानी से ही बिल्कुल देखिए गल गया है। फिर मैंने प्रेशर कुकर के लिड को पूरा प्रेशर निकल जाने के बाद खोला है और अब ये मेरा बिल्कुल गला हुआ देखिए ये तैयार है। अब इसे बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम मिक्सर ग्राइंडर के बिल्कुल सूखे जार में इसे बिल्कुल फाइन तरीके से पीस के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमने अपने करौंदे के पके हुए पल्प का बिल्कुल ही मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके ऐसा पल्प तैयार कर लिया है। अब एक फ्राइंग पैन हम लोग गरम करेंगे। ये पल्प इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे बिल्कुल हल्का सा हम लोगों को थोड़ी देर के लिए ही इस तरीके से भूनना है, ताकि कोई अगर इसमें पानी के अंश हो तो वो बिल्कुल सूख जाएं। हम लोग 2 मिनट इसे ऐसे ही धीमी आंच पर भून लेंगे। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें शुगर ऐड कर लीजिए। चूंकि ये बहुत खट्टी होती है, इसीलिए इसमें चीनी भी थोड़ी ज़्यादा जाती है। और दूसरी बात ये कि चीनी यहाँ प्रिजर्वेटिव का काम करेगी, इसीलिए हम लोगों को चीनी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। ये देखिए कितना सुंदर कलर भी है इसका। ये मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। मैंने इसमें 1 बड़ा कप चीनी का ऐड किया है, जिसमें अभी थोड़ी सी चीनी बाकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप इसको टेस्ट करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खट्टा है तो आप चीनी इसमें और बढ़ाकर डाल सकते हैं। पर वैसे अभी ये थोड़ा और हमें इसे पका करके रिड्यूस करना है, चीनी को पकाना है। उतने में इसकी क्वांटिटी तो घट जाएगी लेकिन चीनी तो उतनी ही रहेगी, इसीलिए आप ध्यान से चीनी इसमें ऐड करें। अब बिल्कुल धीमी आँच पर हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, तब कि चीनी बिल्कुल पिघल जाए, पक जाए और ये बिल्कुल जैम की कंसिस्टेंसी में सूख जाए। ये देखिए, लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। कितना प्यारा सा कलर आ गया है, ये और गाढ़ा हो गया है। लेकिन हमें इसे जैम के फॉर्म में ले आने के लिए अभी थोड़ी देर और पकाना होगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पर 1 पिंच ऐड कर रही हूँ सिनेमन पाउडर का, यानी कि दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही है, प्लस डेजर्ट्स और चटनी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू भी देता है, तो इसीलिए हम इसे इसमें ऐड करेंगे।
और अभी इसे और 2 से 3 मिनट धीमी आंच पर यूं ही पकने देंगे। ये देखिए ये अब सूख चुका है, इस तरीके से ये लम्ब्स के फॉर्म में गिर रहा है। ठंडा होने पे चूंकि इसमें चीनी है ये और जम जाएगा और बिल्कुल जैम की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। आप अपने पसंद के हिसाब से इसका टेक्सचर रख सकते हैं, आपको ज़्यादा सूखा चाहिए आप थोड़ी देर इसे और पका लीजिए, आपको थोड़ा गीला ढीला चाहिए तो आप इसे इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद कर सकते हैं। तो हमारा जैम, करौंदे का जैम बिल्कुल रेडी है। प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।